हेलो एवरीवन वेलकम टू क्विक इन्फॉर्मेशन टीम तो चलिए आज का वोकैबलरी सेक्शन देखते हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का आर फर्स्ट वर्ड इज प्रूडेंटली प्रूडेंटली इज एन एडवर्ब इसका मतलब होता है इन अ वे दैट शोज केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर जो भविष्य के लिए देखभाल और विचार दिखाता है उसे आप बोलते हैं प्रूडेंटली फॉर एग्जाम्पल we must act prudently to safeguard jobs. that we must act very carefully to safeguard jobs. synonyms: wise and well-judged. next one is an idiom. keep one's powder dry. Iska hota hai. remain cautious and ready for a possible emergency. संभावित आपातकाल के लिए सतर्क और तैयार रहना उसे आप बोलते हैं कीप पाउडर ड्राई नेक्स्ट वर्ड इज दिस इज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है विलिंग टू फिट इन विद सम और नीड्स किसी की इच्छा या जरूरत के हिसाब से फिट होने को आप बोलते हैं एकमोडेटिव फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अंडरस्टैंडिंग पेशेंट

अ फोरकास्ट ऑफ़ द लाइकली आउटकम ऑफ अ सिचुएशन किसी स्थिति के संभावित परिणाम का पूर्वानुमान उसे आप बोलते हैं प्रोग्नोसिस फॉर एग्जाम्पल द प्रेजिडेंट हैड अ होपफुल प्रोग्नोसिस अबाउट द कंपनीज फ्यूचर नेक्स्ट वर्ड इज हेडवेंट दिस इज अउन हेडवेंट का मतलब होता है अ व ब्लोइंग डायरेक्टली इन फ्रंट अपोजिंग फॉरवर्ड मोशन एक हवा जो सीधा सामने से बहती है जो आपकी आगे की गति को विरोध करती है उसे आप बोलते हैं हेडविंड फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग अ हेडविंड द विमेन वेंट आउट स्लोअर देन एक्सपेक्टेड नेक्स्ट वर्ड इज शेयर दिस इज एन एडजेक्टिव शेयर का मतलब होता है नथिंग अदर देन या अनमिटिगेटेड किसी चीज पर एम्फिस देने के लिए कि इसके अलावा कुछ नहीं रियल ओरिजिनल प्योर उसे आप बोलते हैं शीयर शी गिगल्ड विद शीयर डिलाइट शी गिगल्ड विद प्योर डिलाइट डिल्ट कंप्लीट एब्सोल्यूट एंड टोटल नेक्स्ट वर्ड इज काउंटरवे दिस इज अर्ब काउंटर वे का मतलब होता है प्रतिभार न्यूट्रलाइज और कैंसिल बाय एग्जर्टिंग एंड ऑपोजिट इन्फ्लुएंस एक विपरीत प्रभाव डालकर बेअसर करना या फिर रद्द कर देना उसे आप बोलते हैं काउंटर वे फॉर एग्जाम्पल द रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट चार्जेस वुड बी ग्रेट इनफ टू काउंटर वे द एक्सपेंडिचर तो ये था हमारा आज का सेक्शन द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल